साथियों, जब से भाजपा की एनडीए की सरकार देश में है, तब से हर वर्ग, हर संप्रदाय के हित में ही हमने काम किया है। झारखंड सहित पूरे देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में अगर 36,000 करोड़ रुपए सीधे जमा हो चुके हैं, तो ये हर वर्ग, हर संप्रदाय के किसानों के खाते में जमा हुए हैं। कोई भेदभाव नहीं होने दिया है। देश भर के करोड़ों गरीब किसानों, खेत मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, छोटे छोटे दुकानदारों, कारोबारियों को 3,000 रुपए की पेंशन की सुविधा मिली है, तो ये भी बिना भेदभाव के सभी को मिली है। झारखंड सहित देश भर की 8 करोड़ से अधिक बहनों को पहली बार मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। ये आदिवासी को भी मिला, पिछड़े को भी मिला, दलित को भी मिला, सामान्य वर्ग को भी मिला, हर पंथ, हर संप्रदाय के गरीबों को इसका लाभ मिला। देश के करीब 2 करोड़ गरीबों और झारखंड के 10 लाख गरीबों के लिए अगर घर बने, तो ये भी बिना भेद के किया जा रहा है। जिसके पास नहीं है, उन सबको मिलने, पक्का घर मिले, इसलिए हम काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी हर गरीब को मिल रहा है। इस योजना से पूरे देश के करीब 67 लाख और झारखंड के 2 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों का मुफ्त इलाज हो भी चुका है। भाइयों और बहनों, जब गरीब को, आदिवासी को लगता है कि मेरा कोई अपना है जो दिल्ली में बैठकर उसका ध्यान रख रहा है, उसके बच्चों का ध्यान रख रहा है, तो गरीब से गरीब, जंगलों में रहने वाला भी मेरा भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं हम पर भरपूर आशीर्वाद बरसाती है। आप देखिए, इतनी दूर दूर से जहां भी मेरी नजर पहुंचे, लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप मुझे यहां आशीर्वाद देने आए हैं, हम सबको आशीर्वाद देने हैं। आपका यही स्नेह, आपका यही आशीर्वाद तो जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और देश भर के वामपंथियों को परेशान करता है, उनकी नींद हराम कर देता है।